और मैं ये आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ही ज्यादा अंधेरा छाया है नीचे। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हिमाचल के जंगलों में। आप नीचे देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भयानक जंगल है ये। और मेरे साथ अकेला कैमरामैन ही आया है, हमारा कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा निडर है। चलिए देख। सर जी जल्दी तो आ दिया है, बड़ा डर लगी रहा। 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, पर लैंड करवा दे सर जी प्लीज। सर जी हिम्मत रखो, कैमरामैन हिम्मत रखो सर जी, लैंड करवा दे प्लीज। बड़ी भारी हत्ती आई गई सर जी, कर दे लैंड कुछ ठीक करा। नहीं हुआ सर जी, करा दे बड़ी भारी, पूरा हाल भी है सर जी। हेलो एवरीवन, हेलो, यू नो मी? यस आई नो, यू नो मी? My name is B.D. Gill. Yeah, I know. If you don't understand English language, press the subscribe button and I will speak mix Hindi and Mandyali languages. तो मैं अपने बारे में आपको कुछ बताता हूँ। मेरा नाम है B.D. Gill। पूरा नाम तो दस दे। कैमरामैन रहने दो, तुम रहने दो। नहीं यार, दस तू। मेरा पूरा नाम है तारा B.D. Gill। तो चलिए कैमरामैन, अब शुरू करते हैं इस एडवेंचर को। कॉपी नहीं चलनी अपने चैनल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस एडवेंचर पर। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अपनी आर्मी के बेस कैंप में होता था तो हमको हमारे पूर्वजों ने और हमारे ट्रेनरों ने बताया था कि जब भी आप कहीं भी सर्वाइव करते हो तो आपके पास एक मफलर होना ही चाहिए। तो मैं आपको मफलर के एक या दो फायदे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला तो इसका ये फायदा होता है कि आप इसको ऐसे फंसाकर लकड़ी को नीचे तोड़ सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास थोड़ा जोर होना चाहिए। और दूसरा जो कि सबसे बड़ा फायदा होता है मफलर का, वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा गाजला कैमरामैन हो तो उसको आप इससे बांध कर लटका भी सकते हैं। तो अब हम अपना खतरनाक सफर शुरू करने वाले थे कि अब ये एक ऐड आएगी जिसको हिंदी में बोलते हैं मशहूरी। तो पहले मशहूरी को देखिए और फिर मेरे साथ जुड़ जाइए। एड ब्रेक। मेरा नाम राहुल है, मैं कैंसर का मरीज हूँ। मेरे कैंसर का कारण है, मैं बहुत भंग बीड़ी खैनी जल तक भी हंस चुका था। फिर मैंने राहुल को स्प्राइट पीने का सजेशन दिया और अब आप राहुल की राय खुद ही पूछ लीजिए। अब मैं साझा ब्यागा रोज स्प्राइट पींदा, तेता ते मेरा भंग बीड़ी खाने खाने रहा, स्टैमिना बढ़ गया। और ये तरह एक फायदा भी है, ये तो जो आसे शराबन भी पी सकते। मुझे देखने से पहले एक बार कैमरामैन को देख लीजिए, ये पूरी सेफ्टी के साथ चलते हैं, इसलिए तो ये इंडिया का नंबर 1 कैमरामैन है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात सीधा ही क्लियर बोल देता हूँ, ऐसे स्टंट तो क्या हुआ, मतलब बहुत ही खतरनाक जगह है। कैमरामैन जरा याद दिखाना ऊपर, ये देखिए। आप ऐसा अपने घर पर करने की कभी मत सोचना, हमें इस काम को करने के बहुत सारे पैसे मिलते हैं, हम इसलिए इस काम को करते हैं। मिंजू तो दी तेरी है। कैमरामैन अपने साबाद में देखेंगे, पहले तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करो। आ जाओ कैमरामैन। ओह माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घना चला रहा है और इस चलाने के फायदे तो बहुत कम है पर नुकसान बहुत ही ज्यादा है। कैमरामैन जरा थोड़े ढंग से आना, देखना कहीं हड्डी ना टूट जाए। कैमरामैन जरा वीडियो को यहीं रोक दो, कैमरामैन रोक दो। मैं और कैमरामैन बहुत ही मुश्किल से बचे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपने घर पर ऐसा कुछ भी करने की ट्राई मत करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कठिन रास्ता होने वाला है हमारे लिए। कैमरामैन जल्दी जल्दी, मुझे ऊपर कुछ दिखा है, जल्दी आओ। ये देखिए दर्शकों, ये देखिए, इसमें देखिए, इसको बोलते हैं बिरोजा और इसको हिंदी में बिरोजा भी बोलते हैं। इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, इससे हम आग भी जला सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा मतलब जूते बनते हैं, कपड़े बनते हैं। पर मैं अभी इसको चुरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैंने इसको चुराया तो हमें जेल भी हो सकती है। तो मैं अपना सफर आगे शुरू करता हूँ। कैमरामैन चोरनी,
कैमरामैन तेरी बंद। हमारा कैमरामैन अभी नादान है, आप इसकी गलतियों पर मत जाना। इसको अभी वो वाला रूल पता नहीं है कि अगर इसने लोकल बंदों का सामान चुराया तो लोकल बंदे देव भी ठोक सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कांड है यहाँ और बहुत ही ज्यादा एडवेंचर रास्ते हैं ये। आप मत आना कभी भी, ऐसी गलती मत करना। मैंने पहले बोला है कि हमको पैसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं इस काम के। कैमरामैन जरा कैमरा को बचाना, खुद जाए तो पकड़िया रख, मैं भी निकला बाहर। हमारा कैमरामैन बड़ा भाई निकम्मा जी बंदा, क्या दस हो तू सौ आई जाओगे। ये देखा जी देखिए दर्शकों, ये हमारा बहुत ही अच्छा आहार बोल सकते हैं इसको, बहुत ही पोषण देता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन एफ, विटामिन डी, इसमें सारे के सारे तत्व मौजूद है। मैं आपको इसका एक अच्छा सा राज बताता हूँ। देखिए आपको पता है मैं आर्मी बेस का बंदा हूँ और मेरे पूर्वजों ने और मेरे ट्रेनरों ने मुझे बताया है कि इसको खाने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो मैं इसको पहले खा लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सर जी ये क्या खाई थे तुझसे? ये तो खाइए तो बंदे भी टप दे। क्या हुआ कैमरामैन? मैंने बंदे भी टप दे तो खाइया। अरे क्यों नहीं बोला कैमरामैन? पूछी भी ले के तो बंदे से मिलना से खाई जाना। मेरे प्यारे दर्शकों देखो, हमें नीचे थोड़ा थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है। ये रास्ता क्या पता हमको शहर की तरफ ले जाएगा। और जो गलती हमारे कैमरामैन ने नीचे लैंड करके की है, हम उस गलती को सुधार भी सकते हैं। तो चलिए नीचे जाकर देखते हैं कि रास्ता कहाँ की ओर जाता है। आ जाइए। कैमरामैन जरा से आ जाए, बहुत ज्यादा खतरा है। एक वाली जंगल बहुत ज्यादा बुरा है। कैमरामैन जल्दी जल्दी, कैमरामैन जल्दी। ये देखिए दर्शकों, हमें यहाँ पर जूते के निशान मिले हैं और ये जूते का ना, एक मिनट कैमरामैन, पूरे 9 फीट का जूता है ये। कैमरामैन मैं लिख देता हूँ, 9 फीट का जूता है ये। हमें मिल गया है रास्ता, अब हम यहाँ से आगे जाएंगे। कैमरामैन तुम्हें जूता दिखाई दे रहा है ना पूरा पूरा? मुझे नहीं लगता इस रास्ते कोई आदमी भी आंटी होंगे। क्यों कैमरामैन? तो तू सर जूते का निशान है सर जी। हम यहाँ से आए थे कैमरामैन। कैमरामैन मुझे यहाँ कुछ मिला है, जल्दी आओ जल्दी कैमरामैन। अबे कैमरामैन उधर नहीं, इधर यार, इधर इधर भाई अलग। मेरे पूर्वजों ने बताया था कि मुझे भविष्य में ऐसी कोई ना कोई चीज मिलेगी, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज और इसमें दांत के फोटो दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये हमारे फ्यूचर में आने वाली दांत उनका काम करेगी। मैं सेंट्रीफ्यूज को यह अपनी पॉकेट में डाल देता हूँ और हम अपना सफर शुरू करते हैं। आओ कैमरामैन आओ। कुछ मिल नहीं रहा है इस जंगल में, बहुत ही घना जंगल। सर जी तुझे पता है क्या आई? क्या है कैमरामैन? बांदर की टट्टी। क्या बांदर? बंदर बंदर की टट्टी। सुनो कैमरामैन, डिलीट कर देना इसको, वीडियो में आना चाहिए, ठीक है ना? आगे 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 कैमरामैन, ये क्या है? ये गाय का गोबर। किसका? गाय का गोबर। गाय का? हाँ। मुझे पानी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। कैमरामैन जल्दी, कैमरामैन यहाँ पर मुझे नमी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा खाने को। कैमरामैन जल्दी मेरा हाथ बताओ, अगर पानी पीना है तो। पूरा दिन होने वाला है और मुझे पानी की एक भी बूंद नहीं मिली है पीने को, और मुझे अब बहुत ही ज़्यादा सुस्ती पड़ी हुई है। अगर मुझे थोड़ी देर तक और पानी नहीं मिला तो मेरी इस कंडीशन में मौत भी हो सकती है। सर तू सो क्या जरूरत थी पानी पीने, तू दसे भी पी दे। कैमरामैन ऐसी सीक्रेट बातें नहीं बताते हैं सभी को। मैं आपको बता रहा था कि ऐसी कंडीशन में मौतें यहाँ पर अक्सर होती रहती है, तो कोई आम बात इसमें नहीं होगी।
मैं जितनी देर ऊपरी है थी खाने तू पीने जो तो पुआ पुका थे करे तू से जितनी देर जो है ऐड देखे नंद करा मुझे रात को कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे चश्मे की जरूरत पड़ेगी। मैं चश्मा खरीदने दुकान पर कल जाऊंगा। मैंने आज सुबह यह चश्मा लिया है और आप देख सकते हैं कि मुझे सब कुछ बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि इस चश्मे को खरीदो और दुनिया के सारे खोपचों को देखो। आप ऐड देखकर आ गए और मुझे अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन सी हो रही है इस जंगल में। मैं जल्दी से जल्दी शहर तक पहुँचना चाहता हूँ और इस एडवेंचर को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं इस साइड जाता हूँ। कैमरामैन वीडियो को बंद कर दो। लगता आज भागते आसा कुछ भी खाने नहीं लग रहा मिलता। इतने कट्ठे आसो आज भूखे ही सोना पड़ा। कैमरामैन कट कर कट। आप देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छा रहा है यहाँ पर। और कैमरामैन जरा थोड़ी यहाँ आके नीचे दिखाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा घना जंगल है नीचे और मुझे बहुत ही ज़्यादा सीन में दर्द लग रही है। देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम इसी जंगल में अटक के रह जाए। प्लीज़ हमें शुभकामनाएँ दीजिए और आगे बढ़िए इस सफ़र पर। प्यास लग रही है कैमरामैन मुझे। कैमरामैन जल्दी। मैंने आपको बोला ही था कि मुझे शुभकामनाएं दीजिए और देखिए हमको कुछ लिक्विड जैसा मिला है और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि ये काम मेरे पूर्वजों ने ही किया होगा। क्योंकि आपको पता ही है मैं आर्मी बेस में काम करता था और मैं फौजी रह चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इसको पीने की टेक्निक पता है। तो मैं इसको पी लेता हूँ, देखता हूँ कैसा टेस्ट है, फिर मैं कैमरामैन को दूंगा। कैमरामैन का सबसे मन की तृप्ति हो गई इसको पीकर। मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये बात कैमरामैन को नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ही बताऊंगा। हमारे पास सिर्फ एक ही स्प्राइट थी और मैंने जानबूझकर इस सीन को करने के लिए 4 रिटेक ले लिए, क्योंकि हर रिटेक में एक घुट अंदर जा रही थी। नमस्ते माइंड। लो कैमरामैन स्प्राइट को पी लो। ये तो तुम्हारा टेस्ट था कैमरामैन कि तुम अपने काम को कितनी शिद्दत से करते हो। मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और तुम टेस्ट में फेल हो गए। तुम्हारा पहला काम है सिर्फ कैमरे को पकड़ना, ना कि स्प्राइट को पीना। मैं चाहे मरी क्यों ना जाऊं, तुम मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आओगे। तुम्हारा काम है सिर्फ कैमरे को पकड़ना और दर्शकों को बताना, ठीक है ना? अब कट करो। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, पूरे जंगल में अंधेरा ही होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे तारा बीड़ी बियर अभी रात को ठहरने के लिए अपने लिए शेल्टर बना रहे है, जिसके कारण सर तो सो चुके हैं। उठिए सर। मैं तो तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, तुम आ गया। आ जाओ कैमरामैन, आ जाओ, आ जाओ। कैमरामैन मौसम तो बहुत ज्यादा खराब है, जरा बताओगे तुम आज बारिश होगी या नहीं? हाँ क्या गूरा? कैमरामैन तू आया गूर बोला रहा सीधा, ज्यादा ना खिन कर। मुझे लगता थोड़ा थोड़ा कि आज 100% बरखा पौनी है पौनी। तुम्हारा कैमरामैन रोने जुबनिया कुछ शुभ शुभ बोल चला गया। तो मनाई दिया कुछ की टापरा जान लगा वो छोटे काम पर करना पौधा ढब्बा मिला मुझे सिर्फ घूमने कट्ठे घर नान दबाऊ बैठे हूँ चलो। जैसा कि हमारे कैमरामैन ने बोला था कि आज बारिश होगी और बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे घर जाना है, मुझे घर का खाना खाना है, मुझे नहीं चाहिए पैसे पूछे डिस्कवरी वालों से कंट्रोल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बैठे हैं दारू के डाल के नीचे। कैमरामैन जरा बताना पीछे दारू का डाल, ये देखिए दारू का डाल बता दिया है कैमरामैन ने। और 5 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसी सिचुएशन में ऐसे हार नहीं मानता हूँ। आपको पता ही है कि मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है और आर्मी वाले आपको पता है कि कितने स्ट्रांग होते हैं। कैमरामैन, अरे कैमरामैन हो तो ठीक है पर एक गलत रहा बड़ा भारी खज्जल।
अरे तेरा तू बोलगा तेरा सच जाना शुभ शुभ बोली करवा सब कुछ बढ़िया होना तेबे काश सर तू सी नु हेठ पोई जांदे तो मजा आ जाना था। कैमरामैन बचाओ प्लीज। नहीं सर मेरा काम है कैमरा पकड़ना, मैं नहीं बचा इसका तू सो। प्लीज कैमरामैन बचा दो यार, लास्ट बार बचा दो प्लीज कैमरामैन। हमारे तारा बीड़ी गीला हमारे साथ नहीं रहे, अगर तू सास हर वीडियो बाकी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया, अगर तुसे दूजा पार्ट देखना चाहते आ सर तो कमेंट दस दिया, अस दूजा पार्ट ले आ जाना ठीक है, मिलते बंदे हो।